आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज आयोजित हो रहे आदिवासी सम्मेलन में जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। यहां चालक की लापरवाही से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार 10 से 8 यात्रियों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सभी की हालत सामान्य बताई गई है। दरअसल हादसा आज सुबह खंडवा स्थित सेलदा गांव के समीप हुआ है, जहां खंडवा के आदिवासी ब्लॉक खालवा से इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस रवाना हुई थी, जो हादसे का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक बस में लगभग 35 लोग सवार थे, जिनमें से 8 से 10 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जवार स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। हादसा बस चालक की लापरवाही से होना बताया जा रहा है, जो तेज गति से ओवरटेक कर रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई।